Hello students, this is Meenakshi and today in this video I will explain factorization method to solve a quadratic equation. देखिए quadratic equation को solve करने के दो method हैं. पहला method है हमारा factorization method, दूसरा है completing the square method. तो हम अपनी इस video में factorization method को समझते हैं. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें ली है exercise 4.2 के question number 1 का first part. तो इस question से हम समझते हैं. सबसे पहले तो आप कोई भी आपके पास equation हो तो उसको पहले check कर लो कि ये quadratic इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है. ठीक है, तो देखो ये है इसके फॉर्म में. क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब हम क्या करते हैं आगे, इसमें हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, ये माइनस टेन है ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, और ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है आपका, वन है, और आपका जो वो है कांस्टेंट टर्म हो क्या है आपके, माइनस टेन है. ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहां पे, माइनस टेन हो गया. अब माइनस टेन के आप दो ऐसे फैक्टर बनाओ, जैसे हमने यहां पर बना लिया फाइव टू जो टेन होता है, तो फाइव हो गया और टू हो गया. ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि उनको सम करने पर, ठीक है ना, या उनको सब्ट्रैक्ट करने पे, उनका सम करने पे क्या आए, माइनस थ्री आ जाए. तो देखो आप यहां पे आपने माइनस फाइव और टू ले लिया, तो अगर आप यहां पे क्या करते हो, माइनस फाइव और प्लस टू कर देते हो, तो क्या आएगा आपका, माइनस थ्री आएगा. ठीक है, तो अब आप यहां पे कर लो इसको एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो आपने लिए फाइव और टू, इसको बना लो आप फाइव एक्स, और इसको बना लो प्लस टू एक्स. ओके, तो आपको ये ना लिखे माइनस थ्री एक्स, आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है. तो क्या लिखोगे आप यहां पे, माइनस फाइव एक्स और प्लस टू एक्स, और यहां पे माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. देखो माइनस थ्री एक्स कैसे आएगा, अगर आपने माइनस फाइव में से माइनस टू माइनस कर दिया, ठीक है ना, ये माइनस फाइव और प्लस टू कर दे तो यहां पे आपका माइनस थ्री आ जाता है. तो वही हमने यहां पे किया है. और ये कौन से क्या लेने हैं, ये हमें दो फैक्टर होने चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके जो जो नंबर आता है, प्रोडक्ट जो आता है आपका, उसके क्या होने चाहिए, उसके फैक्टर होने चाहिए बटो. ठीक है, ये नहीं है कि आप कोई भी नंबर ले लो. अब हम आगे करते हैं इसको सोल्व. अब देखो इसमें, अब इसके दो पेयर बना लो, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में. ओके, चलिए अब हम इसके मैंने पेयरिंग कर ली. अब इन पेयरिंग, ये पेयरिंग करके आप यहां से क्या करोगे, x को वो कर लो, कॉमन ले लो. देखो यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, x माइनस फाइव, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस टू कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे प्लस टू कॉमन हो गया, तो कितना बचा यहां पे, देखो प्लस टू कॉमन ले लिया तो x बचा यहां पे और माइनस फाइव बचा इज इक्वल टू जीरो. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाँ, आपको यहां पे जो ये ब्रैकेट में दोनों टर्म्स बनानी है, ये आपको इक्वल बनानी है. ठीक है, अगर आपका यहां पे साइन नहीं होता है तो उसको यहां पे माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो. ठीक है, तो यहां पे दोनों इक्वल टर्म्स आएंगे, साइन भी इक्वल आएंगे. ठीक है, तो यहां पे आपको फिर आप इसमें से ये वाला बाहर निकाल दो, एक्स माइनस फाइव, फिर ये कॉमन हो जाएगा, और फिर ये कितना बचेगा यहां पर, एक्स प्लस टू. तो ये आपका दो टर्म्स आ गए. अब देखो इन दोनों टर्म्स से, और इसके इक्वल टू जीरो. अब यहां पर x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, फाइव, और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू. तो ये आपके यहां पे आ गए इसके इक्वेशन के दो रूट्स. तो यहां पे आप लिख सकते हो आगे, हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर फाइव एंड माइनस टू. अब इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. इसमें हम लेते हैं, जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन ये है, टू, ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसी का, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है टू और सिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा. ओके, अब माइनस ट्वेल्व के आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं कि आपको यहां पे वन आ जाए, वन एक्स आ जाए. ठीक है, तो हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, सपोज मैंने लिख दिया फोर थ्री जा ट्वेल्व. ओके, फोर थ्री जा ट्वेल्व लिख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
फोर एक्स माइनस थ्री एक्स। ओके स्टूडेंट्स, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। और देखो इसमें, और अगर आप ये फोर इंटू थ्री भी करोगे, फोर इंटू माइनस थ्री करोगे, तो फिर माइनस ट्वेल्व ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर का जो वो है सम है वो कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है एक्स, लेकिन इन दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ट्वेल्व आ रहा है। ठीक है, अब आप यहां पे करो इसको, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स। ठीक है, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स भी क्या होता है, एक्स ही होता है, और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये दो पेयरिंग और इन दो को कर दो। ठीक है ना, पेयरिंग कर दो यहां पे, यहां से टू कॉमन आ जाएगा, टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहां से टू एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो कितना बचेगा यहां पे, एक्स और प्लस टू, और यहां पे आप माइनस थ्री कॉमन ले लो, कितना बचेगा, एक्स और थ्री टू जा सिक्स, प्लस का टू हो जाएगा ना। ओके, यहां पे साइन माइनस का साइन है बाहर, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों यहां से बाहर कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू और टू एक्स माइनस थ्री। अब आप इसके फैक्टर्स निकाल लो, ओके, इसके रूट्स निकाल लो। पहले एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और अब ले लो यहां पर एक्स इज इक्वल टू, दूसरे वाला कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये थ्री इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो थ्री बाई टू, तो ये आ गया आपके यहां पे दोनों रूट्स। फिर आप यहां पे लिख दो, हेंस द रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर माइनस टू एंड थ्री अपॉन टू, या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर माइनस टू एंड थ्री अपॉन टू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।